हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करने वाले आज एक बड़ी सी न्यूज़ निकल कर के आ रही है उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर लेकर के आया हूं investing.com की वेबसाइट पे, जो कि यहां पर एक तरीके से ग्लोबल मार्केट की बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल वेबसाइट है। वहाँ पर बहुत सारी फाइनेंशियल मार्केट की न्यूज़ यहाँ पर अपडेट होती रहती है। यहाँ पर यह बात है जो यहाँ पर एक तरीके से ग्लोबल मार्केट से निकल कर के आ रही है और यहाँ पर हमारे इंडिया से भी जुड़ी हुई है, तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर के आया हूँ यहाँ पर माई वॉच लिस्ट में, यहाँ पर यानी कि मैंने जो अपनी वॉच लिस्ट बना के रखी है उसके, और यहाँ पर मैंने फ्यूचर ग्रुप्स के स्टॉक के बारे में डिस्कशन यहाँ पर करने वाला हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों की बात करते हैं तो फ्यूचर ग्रुप के बारे में बात करते हैं, और उसके अलावा बात करते हैं अमेजोन, जो कि बहुत ही बढ़िया एक तरीके से ई कॉमर्स यहाँ पर प्लेयर है, यहाँ पर एक तरीके से ग्लोबल। तो उसमें और फ्यूचर ग्रुप में एक डील हुई थी आज से 18 मंथ्स पहले की बात। वहाँ पर जो उन्होंने जो यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप के फ्यूचर कूपन में स्टेक होल्डिंग की यहाँ पर बात की गई थी और पूरी डील एग्जीक्यूट की गई। उसके बाद आपको पता है कि रिलायंस रिटेल, जो कि यहाँ पर हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज है मुकेश अंबानी वाली, तो उन्होंने जो यहाँ पर एंटर किया फ्यूचर ग्रुप के साथ और एक यहाँ पर एक अग्रीमेंट किया। तो उसी की वजह से जो यहाँ पर आर्बिट्रेशन सेंटर है सिंगापुर में, वहाँ पर अमेजोन ने यहाँ पर एक तरीके से उसमें यहाँ पर एक तरीके से लीगल सूट यहाँ पर अप्लाई किया, तो वहाँ से बात बिगड़ती हुई दिखाई दी और यहाँ पर जो डील यहाँ पर लंबी खींचती हुई दिखाई दी और अभी तक जो उसका कोई फैसला नहीं आया। लेकिन अभी जो करंट यहाँ पर एक न्यूज़ निकल करके आ रही है कि अभी जो दोनों यहाँ पर पार्टीज है, यानी कि फ्यूचर ग्रुप की बात करते हैं और एक बात करते हैं अमेजोन की, तो दोनों जो यहाँ पर एक तरीके से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात यहाँ पर निकल करके आ रही है, यानी कि दोनों जो अभी जो इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसके लॉयर ने ऐसी बातें बताई है, तो यहाँ पर जो बातें निकल करके आ रही है उसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप के सभी स्टॉक मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। यहाँ पर हम जो एक तरीके से देखते हैं कि जिस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो डेली बेसिस की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्यूचर एंटरप्राइज सबसे पहला स्टॉक है, उसमें जो 2.5% यानी कि 2.5% गिरता हुआ दिखाई दिया। उसके अलावा बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, तो वो है फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, तो वहाँ पर भी फ्रेंड्स 1.9 यानी कि ऑलमोस्ट 2% की गिरावट दिखाई। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बात करते हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में, तो वहाँ पर भी 1.71% जितनी गिरावट अभी करंटली दिखाई दे रही है। उसके अलावा फ्यूचर राइट टाइम और फैशन के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर भी 1.17% जितनी गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर वीकली बेसिस पे बहुत ही तगड़े रिटर्न देते हुए दिखाई दे रही है सभी स्टॉक, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वहाँ पर 23% की डीजल यहाँ पर एक तरीके से डीजल यहाँ पर देखकर जंप दिखाई दे रही है फ्यूचर एंटरप्राइज में, और फ्यूचर कंज्यूमर में 11.74% और यहाँ पर फ्यूचर रिटेल में 13.21% और फ्यूचर लाइफस्टाइल में 14%, यानी कि यहाँ पर पिछले 1 वीक में इतने तगड़े रिटर्न दिए कि आप यहाँ पर एक तरीके से अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तरीके से अमेजोन की तरफ से एलिगेशन भी लगाया गया कि यह सब मैनिपुलेशन चल रहा है और इन्वेस्टर को यहाँ पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिकमेंडेशन देता हूँ कि इसी टाइप के स्टॉक में जो आप यहाँ पर एक तरीके से एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कब से गिरावट स्टार्ट हो जाए और कब आप पैसे फंस जाए उसका कोई यहाँ पर एक तरीके से कोई श्योरिटी नहीं रहती है। क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप अपने आप में बहुत ही कर्जे में डूबी हुई कंपनियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर एक तरीके से सट्टेबाजी ज़्यादा चलती है और यहाँ पर ऑपरेटर जो है पूरी गेम चलाते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर 1 वीक में इतने जो यहाँ पर गिरते हो मार्केट में इतना बढ़िया रिटर्न चला पाना यह बहुत ही मुश्किल काम है किसी भी स्टॉक में, और यहाँ पर प्योरली ऑपरेटिव ड्रिवन स्टॉक है तो आपको उसको कंसीडर करके चलना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा मेन पर्पस है आज की जो डील के बारे में बात करना, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे, जहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस टाइप की कमिटीज निकल करके आई है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बाद। यहाँ पर फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे और यहाँ पर आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर और अमेजोन लॉयर्स हुए जो अग्री हुए करने के लिए टॉक्स फॉर एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, यानी कि कोर्ट के बाहर का सेटलमेंट के लिए यहाँ पर दोनों पक्ष के जो यहाँ पर लॉयर्स है वो बहुत यहाँ पर अग्री हो चुके हैं और यहाँ पर उस सेटलमेंट की बातें निकल करके आ रही है। तो यहाँ पर जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है ऐसी बातें यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या कमेंट्स निकल करके आ रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर बताया गया, लॉयर्स फॉर बोथ फ्यूचर ग्रुप एंड अमेजोन ऑन थर्सडे अग्री टू इनिशिएट डायलॉग एंड फाइंड आउट एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, यानी कि यहाँ पर इनिशिएट किया जाएगा डायलॉग्स, यानी कि यहाँ पर बातचीत की बैठक का दौर शुरू किया जाएगा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर यह जो डील है उसका डिस्प्यूट है वो यहाँ पर एक तरीके से बना हुआ है पिछले 18 मंथ से, क्योंकि यहाँ पर यह डिस्प्यूट बना हुआ है US जायंट है यहाँ पर एंड
फ्यूचर ग्रुप की है यहाँ पर इंडियन कंपनी है। तो उसके बाद जो यहाँ पर प्लान टू सेल ये असेट टू रिलायंस रिटेल लिमिटेड, यानी कि फ्यूचर ग्रुप में जो अपनी असेट है उसको रिलायंस रिटेल को बेचने की यहाँ पर डील बनाई हुई थी। तो उसी वजह से यहाँ पर बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट हुआ था 18 मंथ्स के अगो, और वहाँ पर जो एक तरीके से उसको आर्बिट्रेट सेंटर में लिया गया था सिंगापुर के, और यहाँ पर उसकी यहाँ पर एक तरीके से सुनवाई चल रही है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी जब जो 18 मंथ्स में किसी भी नतीजे पर यहाँ पर निकल कर क्या नहीं आया है, तो यहाँ पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बातें हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी डील है और जितनी लंबी खींचेगी उतनी जो यहाँ पर उसको जो यहाँ पर मॉनेटरी यहाँ पर एक तरीके से उसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा पैसा उसका जो यहाँ फंस सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर क्या बताया गया उसके बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया कि आई एम प्रेजेंटिंग फॉर अ सॉल्यूशन अमेजन लॉयर गोपाल सुब्रमण्यम, यानी कि गोपाल सुब्रमण्यम है जो कि अमेजोन की तरफ से यहाँ पर उसकी पैरवी कर रहे हैं यहाँ पर कोर्ट में। तो उन्होंने बताया कि हम जो यहाँ पर कॉन्सिलेटरी टोन में कहा इन फर्स्ट डे मॉर्निंग को प्रोसीडिंग्स में एपेक्स कोर्ट को थ्रू आउट वी हैव ऑलवेज बीन विलिंग टू हैव अ डायलॉग, यानी कि बातचीत की और कन्वर्जन की हम पहले से ही यहाँ पर एक तरीके से हमारी इच्छा रही है या फिर हम ऐसा चाहते हैं, और देयर कैन बी अ अदर रिजोल्यूशन, तो दूसरे रिजोल्यूशन भी हो सकते हैं टू अ मैटर, यानी कि इस मैटर में इट इज़ नॉट अ वर्लपूल, यानी कि एक तरीके से कोई यहाँ पर वर्लपूल जैसी सिचुएशन नहीं है। फेसिंग अ स्टेट्यूटरी अथॉरिटी बेयरली बिकॉज वी वॉन्ट थ्रू एन आर्बिट्रेशन लेट अस पुट हैंड्स टुगेदर एंड फाइंड अ सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर जो बातचीत का जरिया जो उन्होंने प्रेजेंट किया कि हम जो बातचीत करने के लिए आपके साथ राजी है या फिर आप जो यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं और उसको जो यहाँ पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी बातें बताई गई, और फर्दर सुप्रीम कोर्ट से जो कमेंट्रीज आई वो बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट विल हियर टू मैटर अगेन ऑन मार्च 15, यानी कि 15 मार्च को जो इस मैटर को अगेन यहाँ पर सुना जाएगा, और यहाँ पर 3 पार्टीज है जैसे कि अमेजोन इनकॉर्पोरेशन और यहाँ पर एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग LLC और फ्यूचर रिटेल एंड उसकी प्रमोटर कंपनी है जो कि फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड, वो यहाँ पर ऑलवेज कैश आउट एट सेटलमेंट। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बातें निकल कर के आ रही है। अभी जो उसने क्या बातें आगे निकल कर के आएगी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में उसको आपको देखना होगा। तो इसका जो डेफिनेटली इम्पैक्ट फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक पर देखने को मिलेगा, तो उसमें किस टाइप की यहाँ पर बातें निकल कर के आ रही है तो आपको उसको जो कॉन्टीन्यूसली चेक करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक तरीके से इसको आपको कॉन्टीन्यूस चेक करना चाहिए, और आपको उस कमेंट्री को पूरी पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर आकर इसको यहाँ पर डेफिनेटली पूरा रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो में टाइम की अवेलेबिलिटी की वजह से पूरा जो टॉपिक कवर कर पाना मुश्किल है। तो मैं आपको डेफिनेटली एनकरेज करूँगा कि आप यहाँ पर जो इसको जो है यहाँ पर एक बार स्टडी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था बिग न्यूज़ जो कि यहाँ पर निकल कर के आ रही थी, जिसको जो हमने आपके साथ शेयर किया और आपके नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश की। तो इस वीडियो के जरिए फ्रेंड्स आपको कुछ यहाँ पर हेल्प मिल रही है या फिर आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो हमें शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।